Hello dear students of class 12th, once again I welcome you all in this online digital classes. So as we all know, we are doing chapter number 7 and that is integrals, and till the previous video we have concluded this chapter up to exercise 7.7. So today we were to start exercise 7.8, but as per the notification or annexure received by the HP Board of School Education, this exercise 7.8 has been deleted, which was based upon definite integral as the limit of sum. Integration as a limit of sum जो method था वो आपका delete हो चुका है वो exercise. So आज जो हम start करेंगे वो exercise start करेंगे 7.9. अभी तक देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक जो हम लोगों ने किया है वो फाइंड कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं होती थी. लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब उसमें लिमिट्स गिवन होंगी, ठीक है. और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या आता है, कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता क्योंकि उसमें आपको लिमिट्स गिवन रहती है, ठीक है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल -1 to 1, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इंटीग्रल -1 to 1 ऑफ एक्स प्लस 1 डीएक्स, मतलब आपको किसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स प्लस 1 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट्स क्या गिवन है, -1 to 1, लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज 1, ठीक है. नीचे क्या है लोअर लिमिट और ऊपर क्या है अपर लिमिट, ठीक है. डेफिनेट इंटीग्रल हमें फाइंड करने, डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या है कि पहले आप इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स. अब उसके बाद फ्रेंड्स ये लिमिट्स यहां पे एज इट इज पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट क्या थी -1 और अपर लिमिट क्या थी 1. आप इसे मॉड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, मॉड इन द सेंस ये नहीं कि वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ एक शो करने के लिए. अब देखिए फ्रेंड्स लिमिट्स कैसे पुट की जाती हैं, पहले इस पूरे फंक्शन में इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दी, प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल. सो इंटीग्रेशन करने के बाद अब इस पूरे फंक्शन में एक बार अपर लिमिट पुट कर दीजिए और एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर दीजिए. सर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, अब माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. लेकिन आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट ही माइनस में है तो ब्रैकेट पुट कर दीजिएगा क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाएंगे. सो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ x की जगह क्या पुट करना है -1, ठीक है. अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. सो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1, नाउ माइनस, देखिए -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 बाई 2, और बाहर माइनस है तो -1 बाई 2. अब देखिए प्लस माइनस माइनस वन आएगा लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, 1 बाई 2 गॉट एलिमिनेटेड. सो योर आंसर इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, 2. इन दिस मैनर यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन. The whole exercise is based upon this method only. Let us do question number 7. Question number 7 is integral of 0 to 4 tan x dx. ठीक है, अब आपको किसकी इंटीग्रेशन करनी है, tan x की, ठीक है. फ्रेंड्स tan x की इंटीग्रेशन क्या है, यू कैन रेफर टू पेज नंबर 356, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हेडिंग में आपको चार फॉर्मुलेस गिवन है, tan x की इंटीग्रेशन, cot x की इंटीग्रेशन, sec x की इंटीग्रेशन और cos x की इंटीग्रेशन. सो वहां पे आपके पास tan x की इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sec x, ठीक है. तो tan x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log ऑफ sec x. अब लिमिट्स क्या है पुट कर दीजिए, 0 to 4, ठीक है, नॉट 4 सॉरी, आई थिंक इट्स पाई बाय 4 सॉरी इट्स पाई बाय 4 इट्स पाई बाय 4 अब लिमिट्स पुट कर दीजिए, लॉग ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है आप लोगों ने, पाई बाय 4 पुट कर दी, माइनस अब पूरे फंक्शन में एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है, मतलब लॉग ऑफ sec 0, sec पाई बाय 4 कितना होता है, cos पाई बाय 4 का रेसिप्रोकल, cos पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल √2, सो दैट मीन्स लॉग √2 माइनस लॉग ऑफ sec 0 कितना होता है, cos 0 का रेसिप्रोकल, cos 0 कितना होता है 1, So, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 0. अब आप ध्यान रखिए कुछ वैल्यूज, ठीक है,
लॉग जीरो आपके पास होता है नॉट डिफाइंड, लॉग वन होता है जीरो, एंड लॉग टेन की वैल्यू होती है वन. सिंस ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज हो सकती हैं या नेक्स्ट चैप्टर में भी, तो इनको आप नोट कर लीजिए. लॉग जीरो कितना होता है नॉट डिफाइंड. दीज वैल्यूज आर इवन इंडीड यूजफुल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. लॉग वन इज इक्वल टू जीरो एंड लॉग टेन इज इक्वल टू वन. बाकी लॉग की वैल्यू आप लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आप इनको नोट कर लीजिए रफ में. सो लॉग वन कितना हो जाएगा जीरो, सो लॉग रूट टू माइनस जीरो इज इक्वल टू लॉग रूट टू. लॉग रूट टू, ठीक है. अब फिर अगर आपके पीछे की फॉर्म में आंसर लेकर आना है, ठीक है, तो पीछे कुछ इस टाइप से आंसर आपको गिवन. यू कैन राइट डाउन दिस रूट टू एज टू रेस टू पावर हाफ, टू रेस टू पावर हाफ. अब आप लोगों ने सिर्फ एक लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग एक्स रेस टू पावर एम. अगर लॉग के अंदर फंक्शन पावर के टर्म्स में, तो पावर क्या हो जाएगी, प्री मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग से, तो आप इसको लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग टू, ठीक है. नहीं तो ये वाला आंसर भी छोड़ेंगे, दैट्स ओके, दैट्स करेक्ट, ठीक है, फुल मार्क्स यू विल गेन. सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. After that, let us do question number 10. This is very easy exercise, students. अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 0 to 1 dx upon 1 plus x square. Let me tell you, students. This question came in H Board of School Education Board exam, I think 2018 or 2019 में. ये question आपके पास आया था 4 marks की weightage में. So let us see how to do it. अभी देखिए students, किस चीज की integration करनी है? 1 upon 1 plus x square. देखिए 1 plus x square या फिर x square plus 1 एक ही बात है. और 1 upon 1 plus x square की integration क्या होती है? ये किसकी differentiation है? ध्यान से देखिए students, tan inverse x. So tan inverse x limits 0 to 1. So अब limits put कर दीजिए. tan inverse 1 माइनस टेन इनवर्स, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए एक्स की जगह जीरो. फॉर्मूला बीच में जीरो हमेशा माइनस ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो टेन इनवर्स वन, टेन के कौन से एंगल में वन वैल्यू होती है, दैट इज पाई बाय फोर. रेडियंस पे पुट कीजिए माइनस टेन, और जीरो कहां पर होता है, जीरो डिग्री पर या जीरो रेडियंस पे, तो पाई बाय फोर माइनस जीरो, योर आंसर इज पाई बाय फोर. ये तीन स्टेप का आपका आंसर है, सोल्यूशन है, ठीक है, तीन चार स्टेप जितने भी है. एंड इन दिस यू विल गेट होल फोर मार्क्स आउट ऑफ फोर. All right. Now after that, we shall be doing question number 15. Question number 15, that is, I'm doing those questions which will be appearing difficult for you. Integral 0 to 1, x into e raised to power x square. ये आपके पास क्वेश्चन है. देखें अब डिफरेंस फंक्शन यहाँ पे क्या, x into e raised to power x square, दो फंक्शन है इनटू में, डोंट अप्लाई बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स मत लगाइए. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, क्योंकि e की पावर क्या है, x square, और x square की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, और वो साथ में आपके पास है. टू नहीं है तो 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे काम कीजिए, पुट x square इज इक्वल्स टू t, x square को क्या पुट कर दीजिए, t. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल्स टू 2x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है. अब देखिए फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो यहाँ पे लिमिट्स गिवन है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये जो लिमिट्स जिसके विद रिस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये लिमिट्स उसी के हैं 0 टू 1. क्योंकि अगर आपको ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, हम लास्ट में ये 0 टू 1 जो वैल्यू किसकी पुट करते हैं, x की वैल्यू, जिसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं. लेकिन अभी आपने फंक्शन t के विद रिस्पेक्ट चेंज कर दिया है, तो ये चेंज करेंगे तो लिमिट्स भी आपको चेंज t के विद रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, t के लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगे. वो कैसे आएंगे, देखिए जब x की वैल्यू 0 थी तो t कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 0 पुट करो इस फॉर्मूले में, ये रहा x और t की टर्म्स में रिलेशन,
तो जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, जीरो। और अपर लिमिट कितनी है, एंड वेन एक्स इज इक्वल्स टू वन, तो टी कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू को वन पुट करो, वन का स्क्वायर वन ऑनली, तो टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू वन। तो इसमें पुट कर दीजिए लिमिट्स जीरो टू वन, अभी लिमिट्स टी की ही है, ठीक है, एक्स इन टू, देखिए सिंस एक्स डी एक्स, यहां से आप निकाल लीजिए एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, वन बाई टू डी टी, क्योंकि आपके पास फंक्शन में सिर्फ एक्स डी एक्स है, तो वन बाई टू बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी टी, ठीक है, एक्स डी एक्स की जगह क्या जाएगा, वन बाई टू डी टी, वन बाई टू कॉन्स्टेंट था तो मैंने डायरेक्टली बाहर लिख दिया इंटीग्रेशन के, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया है, टी, सो ई रेस टू पावर टी की इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर टी एज इट इज, लिमिट्स जीरो टू वन, आप पुट कर दीजिए ई रेस टू पावर वन माइनस ई रेस टू पावर जीरो, ठीक है, और फिर आपको पता है क्या है, ई रेस टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, सॉरी बाहर हाफ भी है, एंड आंसर विल बी वन बाई टू, ई रेस टू पावर वन इज ई ओनली माइनस, ठीक है, एंड एनीथिंग रेस टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, सो माइनस वन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, हाफ ऑफ ई माइनस वन। ओके, सिमिलर मैनर फ्रेंड्स, यू कैन डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दीज आर बेस्ड अपॉन द वेरी बेसिक मेथड्स विच हैव डन इन टिल द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। ऑल राइट, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज 7.10। टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू 7.10 एक्सरसाइज बिकॉज दैट्स बेस्ड अपॉन वेरी बेसिक मेथड, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन बट इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, आप लोग को पहले इंटीग्रेट करना है फिर लिमिट्स को पुट करना है। वैसे ये मेथड भी क्या था, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी टाइप से आप लोगों ने लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है यहां पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.10। ऑलराइट, लेट अस गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल लिप 0 टू 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए क्या मेथड अप्लाई होगा, क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जो नीचे फंक्शन है x square plus 1, उसके ऊपर डिफरेंशिएशन, x square plus 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, सो इसकी डिफरेंशिएशन 2x ऊपर है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, सो पुट x square plus 1 is equals to t, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx is equals to dt, ठीक है, लेकिन x dx है खाली, तो x dx कितना हो जाएगा 1 बाई टू डी टी, ठीक है, अब लिमिट्स पुट देखिए, when x is equals to 1, पिछले क्वेश्चन में लिमिट सेम रही थी, हमेशा पॉसिबल ऐसा नहीं है, जब x की वैल्यू 0 है तो t कितना हो जाएगा, x की वैल्यू को 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, एंड बट when x is equals to 1 t कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे 1 टू 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, ठीक है, 1 टू 2, x dx की जगह क्या जाएगा 1 बाई टू डी टी, और 1 अपॉन ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा तो अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, वो क्या है t, तो 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहां पे देखिए ध्यान से, 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन इज log t, नाउ लिमिट्स 1 टू 2, बस लिमिट्स पुट कर दीजिए, log ऑफ 2 ब्रैकेट में माइनस log ऑफ 1, फिर से मैंने आपको बताया था log 1 कितना होता है 0, सो सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन 2 log 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 1 बाई 2 log 2, ठीक है, ऑफ दिस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक स्टूडेंट्स ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एंड दिस exercise 7.10, we have already done these all questions in exercise 7.2, I think, yes, which was based upon the very basic method, method by substitution, unhi method se aap log ke kya karna hai, puri exercise, sirf definite integrals mein difference kya hai, pehle integrate kijiye, bas last mein limits ko put kar dijiye, theek hai, and you will get your final answer. Now in the next video when I'll be coming with exercise 7.11, let me tell you students that exercise is very 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 important, from which one question is definitely expected in your board exam out of weightage 4 marks.
So till then, thank you, take care and have a nice day.